बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा सचिवालय में पहुंचे हैं और यहां पर पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किरोड़ीलाल मीणा जो कि सचिवालय पहुंच चुके हैं। तो कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मीडिया से रूबरू होंगे कुछ ही देर में। फिलहाल सचिवालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जयपुर सचिवालय, जहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा पहुँच चुके हैं। तो सचिवालय के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने किरोड़ीलाल मीणा का स्वागत किया और अब कुछ ही देर में मीडिया से रूबरू होंगे किरोड़ीलाल मीणा। तो कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इस समय सचिवालय में मौजूद हैं और आपको बता दें कि पूरी तरह से एक्शन मोड में अब भजनलाल सरकार आ चुकी है। जब से विभागों का बंटवारा हो गया है, सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग मिल चुके हैं, तो अब एक्शन मोड में इस समय सभी मंत्री दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक पदभार ग्रहण करने के लिए सचिवालय पहुंच रहे हैं, यहाँ पर अपने अपने विभागों को संभाल रहे हैं, कर्मचारियों से परिचयात्मक मुलाकातें हो रही है और आगे की कार्य योजना किस तरह की रहेगी उस पर भी चर्चा की जा रही है। तो पूरी तरह से एक्शन मोड में तमाम मंत्री अब आ चुके हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि सचिवालय पहुंचे हैं और यहां पर आज वो भी अपने विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ समस्याएँ वो भी जानने की कोशिश होगी और किस तरह से समाधान निकाला जाएगा उस पर भी महामंथन किया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सचिवालय जयपुर की, जहाँ कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा सचिवालय पहुँच चुके हैं और किसानों के लिए काफ़ी कुछ काम किया किरोड़ीलाल मीणा ने। काफ़ी अनुभव उनको है और उसका फायदा राज्य को मिलेगा क्योंकि कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया है। और सचिवालय पहुंचने के बाद क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताते हैं। योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिले इसका प्रयास रहेगा, कोई भी अनियमितता नहीं होगी, किरोड़ीलाल मीणा का कहना था। मैंने किसान के घर में जन्म लिया है, मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगा।